दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से 60,000 रुपए में 150 रुपए कम का लैपटॉप ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, और दोस्तों लैपटॉप तुरंत ही कैंसिल कर दिया। 60,000 रुपए के समथिंग का पता नहीं चला। फ्लिपकार्ट बोला हमने रिफंड कर दिया, बैंक के पास जाओ। बैंक बोलता है मेरे पास रिफंड आया नहीं। अब सामने वाला पर्सन लेडीज है, आज बेचारी परेशान है, कितना 60,000 रुपए कुछ होते हैं। चलिए बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए और ऐसी प्रॉब्लम से आप भी झुलस सकते हैं, आपको सतर्क कैसे रहना है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक लैपटॉप को ऑर्डर किया और कुछ टाइम बाद वो कलर अच्छा नहीं लगा और इन्होंने कैंसिल कर दिया। डेबिट कार्ड EMI पे नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड पे वन टाइम पेमेंट किया और इन्होंने कैंसिल कर दिया। उसका रिफंड फ्लिपकार्ट ने तुरंत इनिशिएट कर दिया और इनके कार्ड में पैसा जमा नहीं हुआ, बिल बन के आ गया। इन्होंने बिल पेमेंट भी कर दिया, भाई अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो सिविल खराब होगा 100%। अब यहाँ पे कस्टमर केयर में कॉल कर करके ये थक चुके हैं, एकदम परेशान हो चुके हैं कि भैया मेरा रिफंड कैसे मिलेगा। फ्लिपकार्ट बोलता है मैंने रिफंड कर दिया, यह UTR नंबर, यह ट्रांजेक्शन ID, और जब बैंक को दिखाओ तो बैंक बोलता है मैच नहीं करता है, ये तो गलत है ऐसा वैसा। आखिर इसमें किसकी जिम्मेदारी है? दोस्तों यहाँ पे देखिए, कभी भी अगर आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो कभी आपको UPI प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको मिलेगा तो डेबिट कार्ड EMI, क्रेडिट कार्ड EMI, क्रेडिट कार्ड पेमेंट को लेकर एक प्रॉब्लम एक लोग के संग नहीं काफी लोग के साथ चलता है। देखो फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, कभी भी वो छोटा मोटा काम के लिए आपका पैसा नहीं रोकेगी। बैंक भी कभी ऐसा काम नहीं करेगा आपकी ये पैसा गया कहाँ। दोस्तों ये पैसा मतलब कि फ्लिपकार्ट का जो सिस्टम है वो अपनी तरफ से पैसा सब काम ऑटोमेटिक होता है। जैसे ऑर्डर आपने कैंसिल किया तुरंत ही सिस्टम उस अमाउंट को रिफंड इनिशिएट कर देगा, जहां से पैसा आया था वो नेटवर्क उसी नेटवर्क पे ट्रांसफर कर देगा, भेज देगा। अब उसको रिसीव होने में 4 से 5 दिन लगेंगे। अब वो पैसा बैंक के सिस्टम में जाए उसको सेटलमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे बग इशू, टेक्निकल इशू कारण किसी वजह से वो पैसा सेटलमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर आप फ्लिपकार्ट को बोलोगे तो बोलेंगे मैंने पैसा दे दिया है, बैंक बोलेगा मेरे पास पैसा आया नहीं है। तो इसमें पूरी जिम्मेदारी इसमें बनती है फ्लिपकार्ट का और बैंक का। देखो भाई हम अपना पैसा कहाँ किसको दिए हैं, बैंक से दिए हैं फ्लिपकार्ट को, तो फ्लिपकार्ट का भी जिम्मेदारी है, बैंक का जिम्मेदारी, कस्टमर हमारा है। अब कार्ड को यूज किया तो पैसा कहाँ गया उसकी इंक्वायरी करना जरूरी है। तो अब दोस्तों ये 60,000 रुपए का पता नहीं चला है, मैंने उनको तरीका बताया, आप साइबर क्राइम में कंप्लेंट के फ्रॉड केस में आ चुका है, भाई पैसा नहीं मिला तो फ्रॉड केस में आ गया। साथ में RBI के साइट से कंप्लेन डालो, ईमेल मत करो, ऑनलाइन बैंक के खिलाफ कंप्लेन डालो, भाई फ्लिपकार्ट बोल रहा है पैसा मैंने दिया है। तो इसमें दोनों की जिम्मेदारी बनती है। बट यहाँ पे पैसे का पता नहीं चला है। अब देखिए पैसा कब तक आता है, कितना टाइमिंग लगता है, इन्होंने बिल पेमेंट तो कर दिया है, बड़ा अमाउंट है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा खुद का, मैं जो झेला हूं ना वो कभी आप मत झेलना। अगर आप झेलोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी रातों को, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। मैं 7 से 8 महीने झेला हूं, मैंने बोला भाई मेरा कहानी आपने मेरा वीडियो देखा ही था, सेम दिक्कत मेरे संग हुआ था। फ्लिपकार्ट बोला मैंने रिफंड कर दिया है, समझे ना, और बैंक बोला कि मेरे पास रिफंड आया नहीं है। मैंने कार्ड से एक फ़ोन लिया, 13,000 रुपये समथिंग फ़ोन था और उसकी EMI पे मैंने लिया था, EMI तो मैं पे ही कर रहा था। दोस्तों तो इतना परेशान हो गया कि वो पैसे का पता नहीं चला। फिर मैंने जब लीगल कार्रवाई करने की पूरी प्लानिंग कर लिया, बैंक को मैंने साफ साफ बताया कि आप मुझे परेशान कर रहे हो, सारे कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है और इसको हम कोर्ट में सबमिट करेंगे, क्योंकि आपने हमको जो परेशान किया है इसका भी आपको हर्जाना देना पड़ेगा। मैंने साफ साफ बताया, देखो भाई मैं परेशान हो गया था। इसके बाद उन्होंने उनको बोला कि अब आप वेट कीजिए, इसका हम जांच करेंगे, हमें आप 10 दिन का टाइम दीजिए, जांच किए। और दोस्तों यकीन मानो वो पैसा बैंक के सिस्टम से ही गलती था और वो पैसा रिसीव हुआ हमारे जो है वह वापस कार्ड में रिफंड, जो चार्जेस था सब कुछ उन्होंने रिवर्स कर दिया, सारा चीज हटा दिया। मैं कितना 7 से 8 महीने परेशान हुआ था और सारी EMI पे करता गया। तो भाई आपको इसके लिए कंप्लेन करना पड़ेगा, और ये आप लोग के संग नहीं, एक लोग के संग नहीं, काफी लोग के संग हुआ है। अब आप लोग बताइएगा, देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ,
फ्लिपकार्ट का ना बैंक का। अब आप लोग बताना ये पैसा कौन लेगा, बैंक देगा या फ्लिपकार्ट देगा, आप फिर कमेंट में जरूर देना। क्या आपके संग ऐसा हुआ था वो भी आप कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेवरू साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।